विधानसभा सचिवालय ने उत्तराखंड विधानसभा सत्र की अधिसूचना जारी कर दी है। 5 फरवरी को विधानसभा सत्र शुरू होगा। बता दें कि 8 सितंबर 2023 को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित सत्र हुआ था, जिसके बाद आज सत्र किए जाने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। 5 सितंबर को सुबह 11 बजे विधानसभा सत्र की कार्यवाही शुरू होगी। बता दें कि पिछले 8 सितंबर को सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया था। सत्र के तीसरे दिन यानी कि सरकार ने उत्तराखंड विनियोग 2023 और 24 का अनुपूरक विधेयक समेत 11 विधेयक ध्वनिमत से पारित कराए थे। विधानसभा की कार्यवाही देर रात तक चली थी। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए विभागवार अनुपूरक अनुदान मांगों के पारित करते हुए अनुपूरक विधेयक में 11,321 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया था। इसमें 3,530 करोड़ रुपए का प्रावधान राजस्व और 7,790 करोड़ का पूंजीगत मद में किया था। अनुपूरक बजट की मंजूरी के बाद राज्य का कुल बजट आकार 88,728 करोड़ का हुआ। इसके अलावा सरकार ने सदन में पेश 12 में से 11 विधेयकों को भी पारित किया था। राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी सेवा में सीधी भर्ती के पदों पर 10% क्षैतिज आरक्षण विधेयक प्रवर समिति को भेज दिया गया। नमस्कार। उत्तराखंड विधानसभा का सत्र आहूत हो गया है। 5 फरवरी से 8 फरवरी तक सत्र चलेगा, इसकी सूचना विधानसभा सचिवालय ने जारी कर दी है और हम इस सत्र को पूरी तरह से अच्छे से चलाएंगे, सौहार्दपूर्ण वातावरण में चलाएंगे। हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है, विधानसभा सचिवालय पूरी तरह से तैयार है।